गोरे गलवा तोरे गुल गुल बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। कातिया जेल की हर सलाखों को तोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा और जेल से निकल लाऊंगा, क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूँ। हमर से तो लवली मिलाय के नजरिया, हमर से तो लवली मिलाय के नजरी। दीपक रिक्शा वाला खतरनाक डायलॉग तो मारते ही हैं, गाना भी बेहतरीन गाते हैं, और ऐसे ही एक गाना बड़ा ब्यूटीफुल वाला गाना गाते हैं, गाए हैं, जो इनसे ही सुनेंगे। दीपक जी, ब्यूटीफुल वाला गाना कौन सा गाना है? हाँ हाँ, सुना रहे हैं। गोरी गाथा ले दू चुटिया फूल, बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। गोरी गाथा ले दू चुटिया फूल, बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। कौन कला से पढ़ाएंगे, कौन कला से पढ़ाएंगे, जाही कौन स्कूल। गोरे गलवा तोरे गुल गुल बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। गोरी गाथा ले दू चुटिया फूल, बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। कुबूल कर ले ना हमर गुलाब फूल, बड़ी देखा ही ब्यूटीफुल। एक यदि आपको जेल जाने की बात आएगी तो जेल में भी गाना गाएंगे? हाँ हाँ, काहे नहीं। गाना कौन गाना गाएंगे जेल में आप? आप जेल में ना गाना हमको अभी याद कहाँ। अच्छा, जेल में डायलॉग की यदि बात करेंगे, डायलॉग कौन सा बोलेंगे जेल की, जेल में डायलॉग की बात करें? हाँ, जेल अगर जाएंगे तो सनी देओल का आवाज चलेगा। कातिया, जेल की हर सलाखों को तोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा और जेल से निकल लाऊंगा, क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूँ। क्या बात है। देखिए, दीपक रिक्शा वाला जो चर्चित चेहरा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इनमें मिमिक्री और आर्ट का कूट कूट के क्वालिटी भरा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े फाउंडर हैं, जितने भी बड़े बड़े संस्था में चलाने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो जरूर एक बार रिक्शा वाले से संपर्क करें, चाहे वो बॉलीवुड की दुनिया हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो कई फिल्म सिटी की बात हो, एक बार जरूर संपर्क करें दीपक जी से। दीपक जी की टैलेंट है, और दीपक जी रिक्शा चलाते तो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिक्शा वाले आगे बढ़ नहीं सकते, रिक्शा वाले बड़ा काम नहीं कर सकते। दीपक रिक्शा वाला वो शख्स है जो अपनी काबिलियत और अपनी कला के माध्यम से पूरे दुनिया में नाम कर सकता है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा दीपक रिक्शा वाला। एक गाना और गुनगुनाएंगे, धमाकेदार। हाँ, धमाकेदार। हमर से तो लवली मिलाय के नजरिया, हमर से तो लवली मिलाय के नजरिया। दिलवा धड़काय देलेंगे, दीवाना बनाय देलेंगे। हाँ हाँ, दिलवा धड़काय देलेंगे, दीवाना बनाय देलेंगे। हमर से तो लवली मिलाय के नजरिया, हमर से तो लवली मिलाय के नजरिया। दिलवा धड़काए देलेंगे, दीवाना बनाए देलेंगे। क्या बात है। दिलवा धड़काए देलेंगे, दीवाना बनाए देलेंगे। क्या गाना है, क्या अंदाज है, क्या तरीका है और क्या कला है। बिल्कुल तारीफ करने वाली बात है, और ऐसे में मंच इनको मिल जाए, इनको जरूर जो दुनिया में लोग हैं, ऐसे ऐसे बड़े दिलवाले लोग हैं कि जो कलाकार है उनको खोजते हैं, और कलाकारी कहाँ किस में छुपी हुई है उनको निखारने का जो प्रयास करते हैं, जरूर दीपक रिक्शा वाला से बात करें। और जो मैं इनका नंबर है मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और इनके संपर्क करें। एक और सॉन्ग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खोरखा सॉन्ग सुना रहे हैं। ये सॉन्ग कौन सा होता है? ये खोरखा सॉन्ग है। खोरखा? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, बड़ा मजेदार है। दिल ना ला गई रे मितवा, दिल ना ला गई रे, अरे दिल ना ला गई रे मितवा, दिल ना ला गई रे। जब से तोरे से भेलै प्यार मितवा, दिल ना ला गई रे, अरे दुनिया जानै रे मितवा, दुनिया जानै रे। अरे तोर हमर प्यार दुनिया काहे न मानै रे, दुनिया जानै रे मितवा, दुनिया जानै रे। दिल ना ला गई रे मितवा, दिल ना ला गई रे। दीपक जी, और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल धन्यवाद।